हम लोग कैनॉन 244 DW का कैसे प्रिंट आउट, कैसे स्कैन, कैसे क्या करते हैं, तो आज वो छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन सम लाइन आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको ओपन करो, आज जेरेस करना सीखेंगे। इसको ओपन कर दो, बस छोड़ दो। अब ये पेज को, A4 साइज़ पेपर को ये ऐसे रखना, ठीक है। इसको बंद कर दो, स्टार्ट बटन क्लिक करो। अब देखो यहाँ पर कॉपी प्रेस स्टार्ट, ये वहाँ पर वन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब तुम एक कॉपी चाहते हो या दो कॉपी चाहते हो, मान लो दो कॉपी चाहता मैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे टू लिख दोगे, ठीक है। दो लिखने के बाद दो कॉपी प्रिंट आउट होगा। अभी स्टार्ट क्लिक कर दो, ठीक है, टू कॉपी होना स्टार्ट जाएगा। ये हमारा टू कॉपी निकल चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्कैन करने के लिए आपको तो नेटवर्क से कनेक्टेड होना पड़ेगा, तो सेम नेटवर्क से अपना पीसी में कनेक्ट होना होना है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिख, ये पीसी में मेरा सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो स्कैन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कैनन का जो सॉफ्टवेयर है स्कैन यूटिलिटी, तो ये आपको पहले इंस्टॉल करना होगा अपने डेस्कटॉप में, कैनन एप्लीकेशन का जो है। बस उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक विंडोज़ ओपन हो जाएगा। ये जस्ट हो गया, नेक्स्ट, यस, ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं स्कैन करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर जो आया यहाँ पर, ओके, हमारा इंस्टॉल जो है हमारे विंडोज़ में यहाँ पे आ चुका है, MF स्कैन यूटिलिटी, ठीक है। जस्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट PDF में क्लिक करना होगा। तो उससे पहले हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर में रखना। यहाँ पर शुभम प्रिंट ये पेज को स्कैन करेगा, तो शुभम इसको अपोजिट साइड रखो, ठीक है। हाँ, इस तरह A4 साइज पेपर लगेगा इसमें। अब ये नेटवर्क के थ्रू स्कैन करना है, तो हमारा जो PC है यहाँ पर इस साइड में है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर स्कैन करूँगा, ये डॉक्यूमेंट में जाना है, स्कैनिंग प्रोसेस हो चुका है, और वहाँ पे हमारी आवाज़ जो आ रही, स्कैन का जो आवाज़ आ रहा है, स्कैन होना स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कि स्कैन एक कंप्लीट हो गया। यदि आप कंटिन्यू एक फाइल का कंटिन्यू स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन टू स्कैन में क्लिक कीजिएगा। मेरा एक कॉपी का स्कैन था, तो इसमें एग्जिट में कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये जो स्कैन हुआ है ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये हमारा स्कैन हुआ, ये दिख गया, ओके, चलिए ठीक है। इसको स्कैन को हमें दिख गया और डेट वाइज आ जाएगा, ठीक है। इमेज ये आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल्स में आपका शो करेगा, ओके, ठीक है।